तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 13.9 की, विच इज फोटो रेस्पिरेशन। नाम में ही है रेस्पिरेशन। तो अगर देखने की शुरुआत करें कि फोटो रेस्पिरेशन में होगा क्या, तो आप दे रहे होंगे O2 और निकलवा रहे होंगे CO2। आखिर प्लांट में फोटोसिंथेसिस में तो हमने ये पढ़ा था कि CO2 का इस्तेमाल करके शुगर बनवाई जाएगी और O2 का लिब्रेशन होगा। अरे भाई ये उल्टा कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये एक प्रोसेस है जो कि रूबिस्को की लैक ऑफ इंटीग्रिटी की वजह से होता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। क्या काम नहीं कर पा रहा है? रूबिस्को का नॉर्मल काम हुआ करता था, उसको CO2 को कन्वर्ट करना होता था 2 PgA के मॉलिक्यूल्स में। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं पहले कि ऑक्सीजन जो है वो रूबिस्को से बाइंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। रूबिस्को RUBP 1,5-bisphosphate कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सो कार्बोक्सिलेज जो पोर्शन होता है, कार्बोक्सिलेज वाला जो एक्टिविटी है रूबिस्को की, वो CO2 को कन्वर्ट करके 2 PgA मॉलिक्यूल्स बनाती है जो कि अपना शुगर में बनाने के लिए काम में आता है। लेकिन ऑक्सीजन भी रूबिस्को से बाइंड कर सकता है और 1 PgA और 1 glycolate मॉलिक्यूल बनाती है। और ये बात भी हम पहले देख चुके हैं कि जो ग्लाइकोलेट वाला जो मॉलिक्यूल है वो टॉक्सिक होता है। चलिए, टॉक्सिक होने के बावजूद अगर हम आ जाएं इस वाले पोर्शन पे कि ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये तो वजह हो गई इस चीज़ की कि क्यों इसको फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। अब CO2 कैसे निकल रहा है उसको देख लेते हैं। तो होता यूं है कि जो कंपाउंड ग्लाइकोलेट है वो टॉक्सिक होता है, तो सेल क्या करती है, उसका इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है कि आप इस ग्लाइकोलेट में एक कई सारी चेन ऑफ रिएक्शंस होंगी। ग्लाइकोलेट में ATP का इस्तेमाल होगा उस पर्टिकुलर चेन ऑफ रिएक्शंस में और अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा PgA में और CO2 में। और ये CO2 वापस से आपका रूबिस्को पे बाइंड कर सकता है और 2 PgA के मॉलिक्यूल दे सकता है। तो इस तरीके से इसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस को अगर आप ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा क्या कि ऑक्सीजन तो ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। तो इसलिए इसका नाम हो गया फोटो रेस्पिरेशन। शुरुआत करते हैं NCERT पढ़ने की कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट के। चलिए इस बात की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक और चीज़ जो कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में डिफरेंस क्रिएट कराती है वो है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन पाथवे। पहला स्टेप जानना, याद रखना, दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है कि CO2 का फिक्सेशन स्टेप। हम जानते हैं कि C3 में पहला जो एसिड फिक्स होता है दैट इज RPGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसको C3 पाथवे कहा जाता है। C4 प्लांट्स में वो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड होता है, 4 कार्बन का होता है, इसलिए उसको C4 प्लांट कहा जाता है। दिस इज अ रिएक्शन वेयर RUBP जो कि कंपाउंड है 5 कार्बन का, ये कंबाइन, इट कंबाइंस विद CO2, ये CO2 के साथ कंबाइन करता है एंड गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgA। और आपको, अच्छा ये 2 PgA 3 PgA, इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 PgA जो मॉलिक्यूल है ये दर्शा रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgA हैं, और मॉलिक्यूल ऑफ PgA कौन से हैं, 3 PgA, मतलब 3rd carbon पे फॉस्फेट में। बार बार इस बात को जितना हो सके एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये गलती एटलीस्ट ना हो। दैट इज कैटेलाइज बाई रूबिस्को, ये रूबिस्को के थ्रू कैटेलाइज होता है। आगे बढ़ते हैं कि ये है आपका RUBP, ये है CO2, रूबिस्को की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल, देखिए ये है बड़ा अच्छा डिपिक्शन, 2 × 3 PgA। रूबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू वंडर व्हाई आर रूबिस्को जो एंजाइम है दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम है, आपको क्या लगता है क्यों है? क्योंकि भाई सारा का सारा खाना यहीं से बन रहा है, जहाँ भी चारों तरफ आप देखते हैं पेड़ पौधे वो सबके अंदर हर पत्ती फूल जो भी ग्रीन चीज है वहाँ पर रूबिस्को है। Is characterized by the fact that it is active. Its active site can bind to both CO2 and O2. और इसका एक बहुत अच्छा characteristic है क्या कि ये O2 से भी bind कर सकता है और CO2 से भी bind कर सकता है। इसकी जो active site होती है enzyme में, वो जगह है जहाँ पर आपका substrate bind होता है उसको active site कहते हैं। तो वहाँ पर आपका O2 भी bind कर सकता है, CO2 भी bind कर सकता है, and hence the name, और इसीलिए इसका नाम है। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? आपको क्या लगता है क्यों पॉसिबल है ऐसा? तो देखिए, CO2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा और O2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, देखिएगा कि क्या सिमिलैरिटी है। तो वो उसी ओरिएंटेशन से उसमें बाइंड करता होगा एक्टिव साइट में। रूबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2।
जाहिर सी बात है कि भाई CO2 मेन है, लेकिन O2 भी बाइंड कर सकता है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द इट वर नॉट सो. अगर ऐसा नहीं होता, O2 की एफिनिटी बोलते हैं जुड़ने की ताकत, कितने अच्छे से जुड़ रहा है वो CO2 अपने एंजाइम से. अगर O2 की टेंडेंसी होती ज़्यादा रूबिस्को से जुड़ने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला प्रोसेस डोमिनेट कर रहा होता है ना. लेकिन अभी ये प्रोसेस होता है लेकिन डोमिनेटिंग नहीं है, ऊपर वाला डोमिनेटिंग है क्योंकि CO2 की एफिनिटी ज़्यादा अच्छी है. दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, दोनों बाइंड कर सकते हैं. तो कॉम्पिटिटिव होने की वजह से सारा एंजाइम वाला पोर्शन, जाइए 11th क्लास में चैप्टर 9 एंजाइम वाला पोर्शन, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग क्या होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही सीट है ना. अब इस सीट पे या तो CO2 बैठ सकता है या O2 बैठ सकता है. CO2 बैठेगा तो ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है. O2 बैठेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी प्लांट की कम होने लगेगी. इट इज़ द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम. और कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. रूबिस्को के आसपास अगर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी तो CO2 बाइंड करेगा, और अगर O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी तो O2 बाइंड करेगा. और यही तो आपका हमारा सारा का सारा C4 पाथवे का बेसिस था कि आखिर हम जो है रूबिस्को के आसपास CO2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देना चाहते थे और O2 की कंसेंट्रेशन को कम कर देना चाहते थे, जिससे कि हमारी जो रिएक्शन है वो CO2 वाली डायरेक्शन में चले, जिससे कि ग्लाइकोलेट ना बने. इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रूबिस्को. C3 प्लांट्स में O2 बाइंड करता है रूबिस्को के साथ साथ, और इसीलिए ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, अगर जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो एफिशिएंसी है हमारे जो फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल की, वो कम होती जाएगी. इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रूबिस्को एंड हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज. और इसीलिए CO2 का फिक्सेशन डिक्रीज होता है. हैंस RUBP इंस्टेड ऑफ बींग कन्वर्टेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, टू मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट होने की बजाय अगर O2 बाइंड होगा तो PGA और ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा. इन स्पाइट ऑफ हेयर द RUBP, जो RUBP की कंपाउंड है वो CO2 से बाइंड करने की बजाय, CO2 से अगर बाइंड करेगा तो दो मॉलिक्यूल ऑफ PGA मिल जाएंगे, और उससे बाइंड नहीं करेगा, बाइंड्स विद O2 टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो एक तो बन गया ग्लाइकोलेट इन द पाथवे कॉल्ड एज द फोटो रेस्पिरेशन. और ये वही पाथवे है, पूरा का पूरा पाथवे जो होगा ये फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे है. पाथवे के बीच तक आपका ग्लाइकोलेट बना हुआ है, ग्लाइकोलेट पे एक फॉस्फेट भी लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम फॉस्फोग्लाइकोलेट. टॉक्सिक है और धीरे धीरे अलग पाथवे के थ्रू उसमें ATP एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा PGA और CO2 में. इन द रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉट द ATP, और इसमें कोई ना तो ATP का सिंथेसिस होता है ना ही शुगर का सिंथेसिस होता है. रादर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2, इसकी बजाय CO2 का रिलीज जरूर होता है. विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP की यूटिलाइजेशन से, तो ATP का यूटिलाइजेशन होगा. इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH. फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो होते हैं उसमें ना तो सिंथेसिस होता है ATP का और ना ही NADPH का, और ऊपर से एनर्जी लगती ज़्यादा है. देयरफॉर इसलिए फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस. फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल होता है, और इसीलिए C4 प्लांट आए, उसमें क्या किया गया कि O2 को ना बाइंड करने दिया जाए रूबिस्को से. ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकाली जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देते. This is because they have a mechanism that increases the concentration of the CO2 at the enzyme site. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे mechanism हैं C4 प्लांट के अंदर जिसमें कि आप रूबिस्को के आसपास CO2 की concentration को बढ़ा करके रखते हैं और ऑक्सीजन की concentration को कम करके रखते हैं. This takes place in when the C4 acid from the mesophyll is broken down into the bundle sheath cell to release CO2. हम करते क्या है कि आपने C4 एसिड बना लिया अपने मेसोफिल सेल में, और उसको ले जाते हैं, उस एसिड को ले जाते हैं बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में हम CO2 को रिलीज करा देते हैं जहाँ के रूबिस्को पहले से मौजूद है. दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेल्युलर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटर होता है दो चीज़ों के बीच में. इंटरसेल्युलर मतलब कि एक सेल दूसरी सेल, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ होगी तो इसको इंटरसेल्युलर कहेंगे, और अगर जो है एक सेल के अंदर ही कोई काम हो रहा है तो इसको इंट्रासेल्युलर कहा जाता है. ये इंग्लिश का एक बहुत ही आम वर्ड है. अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल हो गया एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंटर और इंट्रा का क्या मतलब होता है. ओके, कंसेंट्रेशन CO2 इन टर्न, इसके बदले में दिस इंश्योर्स दैट
The Rubisco functions as the carboxylase, minimizing the oxygenase activity. और इसके बदले में हम क्या expect करते हैं कि oxygen होगा नहीं और Rubisco की जो oxygenase वाली activity है जिसमें कि वो oxygen को convert करके PG और glycolate बना रहा था वो वाली activity जितना कम से कम हो जाएगी उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा. Now that you know that the C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields are better in these plants. अब आप जैसा कि जानते ही हैं कि C4 plants में अगर photorespiration नहीं होता है तो यही वजह है कि उनमें उनकी जो productivity होती है, पैदावार जो होती है, वो ज़्यादा better होती है C3 plants के comparatively. In addition, इसके अलावा these plants show tolerance to higher temperatures. इसके अलावा ये अपने higher temperature के लिए भी toleration, मतलब कि higher temperature में भी रह सकते हैं अच्छे से, कोई problem नहीं होगी इनको. Based on the above discussion, ऊपर के discussion के आधार पर, can you compare plants showing C3 and C4 pathway? क्या आप C3 और C4 pathway को compare कर सकते हैं? Use the table format given and fill in the formation. और इस आधार पर जो जो चीज़ें उनमें नहीं है, कौन सी सेल क्या चीज़ एक पाथवे में होगा और क्या चीज़ दूसरे पाथवे में नहीं होगी, उसकी एक टेबल बनाएं और उस तरीके से आप इजीली याद रख पाएंगे कि हाउ C4 इज़ बेटर देन C3 प्लांट.